गीता तो भगवान कृष्ण की है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर 45 मिनट के अंतराल में इस गीता को बोला। उस गीता का भाव और उस गीता की व्याख्या कई लोगों ने की है। अब मेरा आपसे निवेदन यह है, आप प्रभुपाद जी की पढ़ें, यथार्थ गीता पढ़ें, लेकिन गीता वो पढ़ें जिसमें आपको उसका भाव जितना ज्यादा अच्छे से कोई बता पा रहा है। अगर मान लीजिए आपको प्रभुपाद जी की गीता में ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है तो जस्ट पढ़ो, क्योंकि श्लोक तो वही है, श्लोक थोड़ी बदला है, श्लोक एज इट इज है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए एक सब्जेक्ट है, एक टीचर उस सब्जेक्ट को जब आपको पढ़ाता है तो वो ज्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर पाता है, दूसरा नहीं कर पाता। तो जो अच्छे से डिस्क्राइब कर पा रहा है आप उससे पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा। बाकी प्रभुपाद जी की गीता भी बहुत बहुत अच्छी है और उसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, उसका भाव बहुत अच्छा है, और मैं समझता हूँ एक सामान्य व्यक्ति को अगर गीता को समझना है तो निश्चित आप प्रभुपाद जी की गीता पढ़ सकते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, और आराम आराम से। मगर कैसे पढ़ना, देखिए पढ़ने का तरीका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम जब ग्रंथ पढ़ते हैं, या जैसे गीता की बात करूं, और गीता पढ़े बिना जीवन कुछ है भी नहीं, गीता तो हमें जरूर पढ़नी है अगर जीवन को बहुत सार्थक, बहुत सक्सेस लेनी है लाइफ में, सो पढ़ना आवश्यक है। एक दिन में कोशिश करें कि एक या दो श्लोक का भाव और उसका व्याख्या पढ़ें आराम से, और एक श्लोक की व्याख्या पढ़ने के बाद उसका चिंतन करें। मैं सिर्फ पढ़ने की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप सिर्फ पढ़ें, एक बार पढ़ें और बैठ जाएं और बाद में आप अपनी कॉलर ऊपर करके बोलें कि मैंने गीता पढ़ ली, मैंने कंप्लीट कर ली। मैं ये नहीं चाहता और ना ये करना चाहिए। यू डू वन थिंग, यू जस्ट टेक अ श्लोक एंड उस श्लोक को आप पूरा पढ़िए, समझिए, उतारिए अपने मन में, और जब आप संतुष्ट हो जाए तब दूसरे श्लोक पढ़ जाइए। जैसे जैसे आप एक एक श्लोक को पढ़ते जाएंगे तब जो नेक्स्ट श्लोक है, एक नेक्स्ट श्लोक है, वो आपको समझ आएगा कि ये श्लोक बहुत अच्छा है। क्योंकि एक श्लोक को जाने बिना जब दूसरे पायदान पर हम जाएंगे तो वो हमें समझ नहीं आएगा, और जब आपको इसमें रस आने लगेगा, जब आप एक श्लोक की व्याख्या अच्छे से किसी एक की समझ में आ गई, ये जीवन में एक चीज और समझिएगा, ये बड़ा अनुभव की बात आपसे बता रहा हूं मैं। एक समोसा है, बहुत ध्यान से समझें, एक समोसा है, आप 10 लोगों को दीजिए, एक ही कढ़ाई से निकला हुआ, एक ही मटेरियल का, एक ही डिजाइन का बना हुआ समोसा, और आप 10 लोगों को दीजिए, और 10 लोगों को एक वाइट पेपर और एक पेन दे दीजिए और उनसे कहिए समोसा जो तुमने खाया उसके बारे में लिखो, आप देखना 10 के 10 लोगों का अपना अनुभव होगा। Isn't it? सबका अपना अनुभव होगा, एक ही जैसा, एक जैसी चीज मिलेगी मगर डिस्क्रिप्शन अलग अलग होगा, व्याख्या अलग अलग होगी। ठीक इसी तरीके से अगर आपको गीता पढ़ने में आनंद आ गया, एक गीता पढ़ के आनंद, तो फिर आपके अंदर खुद चॉइस पैदा होगी कि अब मैं उनकी भी पढ़ूं, अब मैं इनकी भी पढ़ूं। और दुनिया के आनंद को लेने के लिए हम जितना स्टडी कर सकते हैं उतना स्टडी हमें करना चाहिए, हमारे लिए बहुत सार्थक और बहुत आनंददायक होगा। तो आप जो भी आपको अच्छा लगता है, जहां आपको अच्छे से समझ में आता है, वो पढ़िए, क्योंकि आप यथार्थ में जाएंगे तो यथार्थ का भाव आपको जरूरी है। या तो कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई ऐसा हो जो आपको एक एक व्याख्या बताए, अदरवाइज जहां आपको ज्यादा व्याख्या मिल रही है आप उसको पढ़िए और आपके जीवन में आनंद हो, आप खूब आनंद करें। मेरा ऐसा आप सभी के लिए शुभकामनाएं।